अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। तो दोस्तों, दो दिन मेरी ट्यूशन नहीं आई क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और तो सॉरी उसके लिए। एंड आज का टॉपिक ये है कि आप लोग कबूतर को मोटा और तंदुरुस्त कैसे करें। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या करना है कि जैसे मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है कि भाई मेरे कबूतर हैं जो पतले होते जा रहे हैं, मोटे नहीं हो रहे, तंदुरुस्त नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा भाई आप थोड़ा सब्र करो, ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो ये वीडियो आ चुकी है, ठीक है, आप सभी के फायदे के लिए है और उनके लिए भी, ठीक है दोस्तों। और ये ट्रिक मैंने खुद ने भी आजमाई है, ठीक है, मैंने खुद ने, ठीक है, मतलब जो दवाई आपको मैं बताऊंगा वो मैंने खुद ने भी ट्राई की है, उसका फायदा है, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया, कौन सी दवाई है मैं आपको बता देता हूँ। दवाई ये है, ठीक है, इसका नाम भूल गया, आप स्क्रीन पे दिख रहा है फोटो, ये दवाई है दोस्तों। और इस दवाई को क्या करना है कि हफ्ते में सिर्फ 5 ml देना है, जो इसके ऊपर ढक्कन है ना वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार मतलब देना है, ठीक है, एक हफ्ते में 2 बार देना है 5 ml, ठीक है, 1 लीटर के पानी में, ठीक है, आपको इसे देना है। और आपके अगर उड़ान वाले कबूतर हैं तो उनको देना मत, अगर आप उन्हें दोगे तो क्या होगा पता है, वो कबूतर उड़ना बंद कर देंगे और पतले मतलब मोटे हो जाएंगे और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि वो उड़ान नहीं करेंगे। अगर आपको पतले कबूतरों की ज़रूरत है तो दवाई मत देना, नहीं तो दवाई दे सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपके उड़ान वाले कबूतर हैं उन्हें तो दवाई देना ही मत, अगर आप उन्हें दे दोगे तो मोटे हो जाएंगे और आपके उड़ान कबूतर बंद कर देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और तो ये दवाई, ठीक है, आप दे सकते हैं। और दाना भी जो भी देते हो ना आप लोग, तो दोस्तों वैसे भी आप अगर दवाई देते हो तो दाना हर कोई बोलता है कि दाना मिक्स दो। हाँ, मिक्स देना अच्छी बात है, मगर चने खास देना है, कि चने है ना जो वो कबूतर के पेट में पच जाएंगे, मतलब हजम भी हो जाएंगे दाने। तो उससे क्या होगा कि कबूतरों को वो दवाई असर करेगी। और उस दवाई का एक और फायदा क्या है आपको पता है? नहीं पता, मैंने ट्राई किया है और कबूतरों में एक भी बीमारी नहीं आई थी इस दवाई से, ठीक है, एक भी बीमारी कसम से, ठीक है। बाय चांस कभी आ जाए उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मतलब कभी आएगी भी नहीं, ये ऐसी दवाई है। और मोटे भी हो जाएंगे और तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। ये दवाई जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, बस ये ले आओ मेडिकल से और हफ्ते में 2 बार कबूतर को देना शुरू कर दो, 5 ml जो इसके ऊपर ढक्कन है वो दे दो, ठीक है, तो आपके कबूतर एकदम मोटे हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप कबूतर जैसे आपके उड़ान वाले ना तो उनको देना मत, अगर आप उन्हें मोटा बनाना चाहते हो तो भी दे सकते हो, मतलब ऐसे मत देना कबूतर आप उड़ान बंद कर देंगे। मैंने किसको दिया है पता है? जो जोड़ों वाले कबूतर है उनको दिया है, क्योंकि उनसे मेरे बच्चे पलवान हैं और उड़ान वाले कबूतर मेरे अलग हैं, जो घर के पट्टे हैं बस उनको मैंने नहीं दिए, क्योंकि उनको अलग खोलता हूँ, उनको इसको अलग खोलता हूँ, तो इस कारण दवाई उनको नहीं दी। आप भी ऐसा करें दोस्तों, ठीक है, तो आपका फायदा रहेगा इसमें। और ये दवाई जो मैंने आपको दिखा दी, एंड ये दवाई आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। और हाँ, खास करके बात याद रखना कि आप उड़ान वाले कबूतरों को मत देना, ठीक है, ये गलती मत करना। अगर आप दोगे तो फिर कहोगे कि भाई आपने गलत टॉनिक बता दिया, गलत नहीं ये सही, मैंने खुद ने ट्राई किया है, ठीक है, छत के ऊपर है, अभी ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी दिखा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यही टॉनिक है जो कि आप दे सकते हो और इससे आपको फायदा है 100%, ठीक है, 100%। तो यही दवाई की, ठीक है, और खास करके दाना आपको चने देने हैं। ये दवाई जब दे रहे हैं ना चने दोगे तो कबूतर का फायदा है, इसे दवाई देने से पहले चाहे आगे जो भी हो कभी भी चने दोगे तो कबूतर का फायदा है और आपका भी फायदा है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस चैनल पर आओ, कमेंट में बताओ कि भाई हमारे कबूतर ये नहीं हो रहे, ये बीमार हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको उसका हल मिल जाए।